राम रतन के म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए। एक्सीलेंट एंड राम रतन स्टोरी लाइन ऑल्सो एक्सीलेंट एंड थैंक्स टू प्रोड्यूसर संजय पटेल जी, अश्विनी पटेल जी और भरत भाई, भरत दुड़िया जी। और एक्टर में तो अच्छा कास्ट है, वेरी डैशिंग ऋषि एंड डेजी एंड एंजेला इज वेरी गुड एंड आई केम फॉर द शूटिंग वन ऑफ माई सॉन्ग डिस्को सॉन्ग पिक्चर एडिशन टूडे। आई हैव गॉट सम स्मॉल गेस्ट अपीयरेंस जस्ट कमिंग, बापू लहरी इज कमिंग लाइक दैट ऑन स्टेज। एंड सबस्टार मूवी का जो पिक्चर बन रहा है, राम रतन इनका डायरेक्टर जो है गोविंद भाई, गोविंद सकरिया जी, बहुत अच्छा स्टोरी है। मैं तो गाना सब कुछ कर दिया ऑलरेडी, आई हैव रिकॉर्डेड 5 songs एंड इसमें काफ़ी अच्छा है। मैं भी गाया, पलक मुच्छल जो नए सिंगर ने बहुत अच्छा नाम किया, साधना सरगम, मोहम्मद इरफान, भूमि त्रिवेदी, काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर हैं इसमें। और मेरे हिसाब से ये नहीं, भूमि त्रिवेदी का तो जो भी है ना राजा हुसैन, हाँ, जो हम लोग गरबा रिकॉर्ड किया लास्ट, हाँ, गरबा में तो अभी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो गरबा में वही गाना धूम मचाएंगे राम रतन का। तो बस मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, मैं बाहर था अभी, जैसे आई केम फ्रॉम न्यूयॉर्क। ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड यू बोथ एंड इस आवर मूवी तो आवर ही होता है, किसी के लिए सुपर हिट नहीं होता है, सब के लिए सुपर हिट होता है जितना भी काम कर रहे हैं। दादा मैं इन दोनों से एक लाइन पूछना चाहूँगी, उसके बाद आपसे मुझे एक लाइन गाना सुनना। सर आप बताइए ना राम रतन के बारे में एक लाइन जो आप बताना चाहते हैं। बस एक अच्छे पारिवारिक फिल्म है और कॉमेडी फिल्म है और अच्छा गाना है, सब गाना एकदम, कपिल जी ने बहुत बढ़िया म्यूजिक बनाया है इसके लिए, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी है। सर आप अपनी राय बताएं क्या। राम रतन जो है पिक्चर में एक घरेलू पिक्चर है, उसमें हस्बैंड वाइफ का एक ट्विस्ट है और जो बप्पी दा ने म्यूजिक दिया है, जो उसके पहले का डिस्को मिथुन दा जो है वही वापस लाए है बैक, तो ये टाइम मेरे हिसाब से ये हमारा गाना है सॉन्ग, वो धूम मचा देंगे। और अभी दूसरा भी एक गाना, सब गाना तो हिट है, हिट पे हिट है, नगारा वाला गाना भी इससे भी हिट है, लेकिन ये जो बप्पी दा ने ये राम भाई वो गाना है एकदम बढ़िया है, फैंटास्टिक। ये गाना जो आपने बोला बराबर बोला, ये बहुत अलग अलग है स्टाइल, बट एक गाना है नंदलाला, इसमें फ्यूजन है, वेस्टर्न एंड क्लासिकल फ्यूजन, आई थिंक इट विल बी द रॉक एंड द जो आपने बोला भी गरबा, नकरा डम डम, ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय भूमि एंड राजा। तो मैं गाना पिक्चराइजेशन कर रहा हूँ, तो गाने के अंदर हीरो है, उसकी डांसर्स है, रशियन डांसर है, उसकी गर्लफ्रेंड है, और बेसिकली आप इसमें मतलब इस फिल्म के अंदर कैसे यूज़ करने वाले हैं। इस फिल्म के अंदर हीरो का जो स्वभाव है, एटीट्यूड जो है, उसकी लाइफ जो है कि भाई वो किस टाइप का कैरेक्टर है, मेरा शादीशुदा है और क्या क्या कर सकता है, कि डिस्कोथेक में जाना और लड़कियों के साथ घूमना और एंजॉय करना है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका कलर जो हीरो का है वही मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए ये बताइए, फिल्म का नाम है राम रतन, हाँ जी, राम रतन में आप क्या दिखाना चाहते हैं, राम रतन का अर्थ क्या है फिल्म के अंदर। राम और रतन का अर्थ तो एक फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, कभी जैसे कई फिल्में ऐसे दो दो नाम वाली आई है, ये सीता और गीता, ये पता नहीं, इसमें राम और रतन का जब फिल्म नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा राम और रतन क्या है। अरे साइलेंस ना, 2 मिनट के लिए। हाँ सर, एक बार फिर से आंसर दीजिए। राम रतन का आप जो पूछ रहे हैं कि राम रतन क्या है, तो राम रतन जैसे कि सीता और गीता, कई फिल्म दो दो जुड़ी हुई नाम आई है, लेकिन राम रतन तब पता चलेगा जब फिल्म देखने जाओगे कि राम क्या है और रतन क्या है। फिल्म की आपकी स्टार कास्ट आपने क्या रखी है। स्टार कास्ट में ऋषि बुटानी करके है, जिन्होंने एक दो फिल्में की है, और सबसे बड़े कि इनके साथ जो हमारी नायिका यानी कि हीरोइन जो है वो डेजी शाह, बहुत बड़ा नाम है। सतीश कौशिक है, राजपाल जी वगैरह वगैरह, सुधा जी है, महेश ठाकुर है,
कहाँ कहाँ शूट करने वाले हैं इसको? शूट यहाँ बॉम्बे करूँगा, भी एक शेड्यूल मेरा सूरत है, सूरत के बाद मैं देहरादून और लखनऊ वाराणसी कर रहा हूँ। हर किसी का, निर्देशक का कोई मकसद होता है किसी फिल्म को बनाने में, आप इस फिल्म के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो पहले तो फिल्म, मैं तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फिल्म एक एंटरटेनमेंट होता है, फिल्म के सारी कहानियाँ तो आ चुकी है, हॉरर ये वो सब बनती रहती है। इसमें एक वे देखना है कि भाई शादीशुदा लड़का है, पैसे वाला लड़का है, तो कहीं ऐसे रिच घर के रिच फैमिली में होते हैं कि भाई घर की मुर्गी डाल बराबर जैसे होता है कि भाई घरे घर वाली को भी बराबर रखो, बाहर वाली को भी बराबर रखो। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने का कैसे विचार पैदा हुआ? गुजराती करने के बाद ऐसा लगा कि कुछ नया करके एक हिंदी बनाया जाए, अच्छी साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म, तो इसीलिए हम लोग मैंने हिंदी बनाना शुरू। आपके साथ इसमें दो आपके और दो मित्र लोग पार्टनर हैं, वो कौन हैं वो? हाँ, मेरे एक पार्टनर है अश्विन पटेल और एक भरत डोडिया। वैसे तो सब नाम से ऐसे भी संजय पटेल, ए से अश्विन पटेल और बी से भरत डोडिया, और हम लोग काफ़ी पुराने साथी है और पार्टनर्स भी है, और कंस्ट्रक्शन का काम है सूरत में, और फिर सोचा कि चलो एक फिल्म बनाए अच्छी। कब तक इस फिल्म को कंप्लीट करने का विचार है? फिल्म फरवरी तक सब कंप्लीट हो जाएगी, आ जाएगी। कंप्लीट होने में शायद अभी 2 महीने में हो जाएगा, ये दिवाली के बाद दिसंबर के। कहाँ कहाँ शूट कर रहे हैं? शूट तो थोड़ा यहाँ बॉम्बे में है स्टूडियो में, थोड़ा सूरत में, और देहरादून में गाना, और लखनऊ में है। वैसे तो मैं थोड़ा पुराना मेरा इससे लगाव है, क्योंकि मेरे पिताजी के 2 थिएटर्स थे, वैशाली अमरोपाली सूरत में, तो 1972 से 2000 तक चार तक ये थिएटर पिताजी ने चलाए, और काफ़ी सारी फिल्में उसके अंदर रिलीज हुई, तो सोचा कि थोड़ा हिंदी का ये बॉलीवुड का थोड़ा लगाव भी था। ये आप प्योर बिजनेस के रूप से बना रहे हैं? ना ना, ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने कि कुछ एंट्री फीस देनी पड़ी मेरे को आज। वी आर शूटिंग द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड राम रतन, वेयर इन ऋषि भूटानी इज प्लेइंग द लीड रोल एंड डेजी शाह इज गोना बी प्लेइंग हिज वाइफ, आई एम प्लेइंग हिज गर्लफ्रेंड, माय नेम इज सोनिया, माय कैरेक्टर नेम इज सोनिया इन द फिल्म। So today we are shooting this first song where hero and me and one of my friends is in the club. Her character name is Ashima. So we are just dancing around with the hero, flirting around, freaking out in the club with all the dancers. How good start? So excited to be a part of this project, and I think it's a very good start because for me this is a very meaty role where I have a lot of scope to perform. My character is really powerful because I play the hero's girlfriend, so it's kind of a second lead role after Daisy Shah. Yeah, so it's a super start for me. I've done a couple of Telugu films also before wherein I played the lead role, so of course I sort of had my questions and queries before I took up this role, but yes, now I'm very excited now that the shoot has started. Yeah. Okay, you know, though the situation would be serious, there'll be a hot number when they play over here, or, you know, it'll be a part of the film. What number exactly? It will be item number or here, be yeah, the or song shoot, or it will be a situational song? No, it's a situational song, plus we have a lot of hot dancers around. It's the title song of the film basically. So it says Ram Bhai ko koi na roke. The film's name is Ram Ratan. The hero's name is Ram in the film. So it says Ram Bhai ko koi na roke. So this particular song, hero has come to a dance bar. So a lot of glamour around basically, a lot of beauties around, foreign dancers, Indian dancers, and of course two of us, his girlfriends, or two of us models. Okay, this is the last question to you. Yeah. Daisy is already there in the industry. She started her career with Salman Khan and other films. Also done few other films also. Yeah. Overshadowing you? Well, no, not really. I really admire her as an actor. She's a great actor. She looks so good on screen. So I think I'm going to learn a lot from her. I have a lot of regards for her. So I'm very excited to be working with her. And I don't think every character has its own place. So I don't think anybody is going to overshadow anybody. So.